तो सुनो फिर भाई, जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं। सफर शुरू तो करो, एंड तो हो ही जाएगा यार। इस डर से घर में बैठे रहोगे कि कैसे होगा, कब होगा, क्या करेंगे, तो फिर तो पल में पिरले आएगी, फिर करेगा कब वो, कबीरदास जी कह गए थे ना। तो जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं। और रास्ते की कठिनाइयों से क्या डरना मेरे बच्चों, रास्ते की कठिनाइयों से क्या डरना, मेहनती इंसानों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू इन दिस लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी आर गोइंग टू सॉल्व एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 क्लास 12 इंटीग्रेशन। अगर इससे पहले अभी तक आपने इंटीग्रेशन का मेरा इंट्रोडक्शन का लेक्चर नहीं देखा है, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि इंटीग्रेशन का असली मतलब क्या है, इंटीग्रेशन का जन्म कैसे हुआ है, इंटीग्रेशन हम करते हैं तो हमें क्या समझ आता है, तो अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा है और अगर आप अच्छी समझ रखना चाहते हैं इंटीग्रेशन की, तो उस लेक्चर को जरूर से देख लें। उसके बाद मैंने एक बेसिक लेक्चर बनाया था जिसको #1 का नाम दिया था। इंट्रोडक्शन का लेक्चर अगर आपको डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए तो आप एक बार स्किप कर सकते हैं, बट ऑल बेसिक्स एंड शॉर्ट ट्रिक वाला जो मैंने लेक्चर बनाया है, बिकॉज मैं यहाँ पर अब वो शॉर्ट ट्रिक्स यूज करने वाला हूँ। इतना टाइम नहीं है कि मैं बहुत सारे लंबे चौड़े मैथड लगा के टाइम वेस्ट करूँ आपका। जिस तरीके से अगर आप उसके प्रूफ भी देखना चाहते हैं, हालांकि कुछ शॉर्ट फॉर्मूले मैंने लिखे हैं इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर के बाद में, जो #1 वाला लेक्चर था उसमें मैंने बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स आपको पढ़ाई थी। एक्स की पावर एन का तो सभी ने इंटीग्रेशन रट लिया है, लेकिन 1/(x^n) का मैंने वहां पर डायरेक्ट फॉर्मूला बनाया था। अभी आप यहां से फॉर्मूला नोट कर सकते हैं, 1/(1−n)(x^n−1+c). लेकिन ये कहां से आया, इसको देखने के लिए आपको #1 पे जाना पड़ेगा। √x का बच्चे √x^(1/2) लिखते हैं पहले, फिर उसको घंटों भर लगाते हैं डायरेक्ट 2/3 x^3/2, लेकिन मैं रटा नहीं रहा हूं, मैं फिर बोल रहा हूं मैंने प्रूफ कराया ये, तो वहां से आप देख सकते हैं। 1/√x का बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया था एंटी डेरिवेटिव वाले मेथड से, √x+c। और अगर किसी फंक्शन में x की जगह ax+b या ax आ जाए, ये आपको वहीं से देख के समझ में आएगा, तो उसको कैसे हैंडल करना है मैंने उस वाले लेक्चर में पूरा समझाया है। तो यहां पर मैं आपका टाइम बचाऊंगा, आज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। रूट मैप मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि सारे बच्चे बड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक मानते हैं इंटीग्रेशन, तो कोई हु हल्ला नहीं कि JEE के ये कि वो IIT और ऐसा और वैसा। तो पहले बेसिक से शुरू करेंगे, पहले बेसिक पे पकड़ बनाएंगे, उसके बाद कौन सी चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट की हैं, कितनी इंपॉर्टेंस किस टॉपिक की है, वो साथ में मैं बताता चलूंगा। कहना चाहिए एक अच्छा कॉन्सेप्ट का आपको आइडिया हो जाएगा, उसके बाद मैं सैंपल पेपर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन CBSE बोर्ड के जो आ चुके हैं मुश्किल वो कराऊंगा, उसके बाद फिर हम जाके जो तीसरा लेवल आएगा वो मैं वहां पर JEE मेंस के क्वेश्चन आपको कराऊंगा। और इसके बीच में बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स NCERT का मैं एक बार मतलब फिर से बता देता हूं कि NCERT से मेरा मतलब सिर्फ सॉल्यूशन कराना बिल्कुल भी नहीं है, कि NCERT के सॉल्यूशन नहीं मिल रहे हैं, कहीं से PDF उठा के ले आओ और सॉल्यूशन देख लो, लेकिन वो और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। ये मैं सॉल्यूशन नहीं दे रहा आपको कि NCERT के सॉल्यूशन बता रहे हैं सर, और ये तो हम कहीं और से भी देख ले रहे हैं। आप एक लेक्चर देख लीजिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कितनी सारी छोटी छोटी बातें, कितने कितने फॉर्मूलाज, कितनी सारी शॉर्ट ट्रिक्स और कितनी सारी अंडरस्टैंडिंग मैं आपको देने वाला हूं, वो एक बेसिक PDF से देख के समझ में नहीं आने वाला। तो एक्सरसाइज 7.1 में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, पहला जो क्वेश्चन है इसमें 5 पार्ट हैं। फाइंड द एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो ये इंस्पेक्शन मेथड क्या है, इंस्पेक्शन मेथड में बहुत सिंपल सवाल आएंगे। हालांकि अब तो कोई टीचर पढ़ाता भी नहीं है ये, और बच्चे करते भी नहीं, आते भी नहीं है इस पर क्वेश्चन, बट इंस्पेक्शन मेथड में बता देता हूं, ये वही वाला मेथड है, वो रट्टू वाला जो मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था, कि आपको आइडिया लगाना पड़ेगा कि किसका डिफरेंशिएशन करके ये आ सकता है, एंटी डेरिवेटिव वाला तरीका है। 5 क्वेश्चन है, लेकिन इसमें सवाल बड़ा सिंपल आएगा बच्चों, बहुत सिंपल आएगा। जैसे पहला सवाल आया sin 2x का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, इंस्पेक्शन मेथड से। ये मैंने आपका एक्सरसाइज PDF में निकाल लिया है, बाकी मैं स्क्रीन पर भी आपको दिखा दूंगा क्वेश्चन। तो इसका इंस्पेक्शन मेथड से करना है, तो सर जरा थोड़ा समझा दीजिए इंस्पेक्शन मेथड क्या है, इतना दिल पे लगाने की बात नहीं। अच्छा, उससे पहले एक बात मैं आपको और बता दूं कि NCERT अगर अपन हम लोग कर लें NCERT, तो मेरे हिसाब से 250 से 300 क्वेश्चन तो एक्सरसाइज में है, और अगर 100 एग्जांपल हुए इसमें तो 400 क्वेश्चन लगभग NCERT की बुक में इंटीग्रेशन में। बच्चे यही सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, पूरा साल निकल जा रहा है, सेकेंड टर्म निकल जा रहा है, तो इतना लंबा सर करेंगे कैसे भाई। RD शर्मा, RS अग्रवाल, RS अग्रवाल और ML अग्रवाल और वगैरह वगैरह, वो तो बहुत दूर की बातें हो गई, पहले NCERT लगा लो, यही बहुत कुछ सिखा के जा सकती है, सारे इंटीग्रेशन के मेथड सब इसी में है। सर ये तो बहुत टाइम लगेगा, अगर एक एक लेक्चर में एक एक एक्सरसाइज करेंगे तब भी कम से कम इसमें 12-13 एक्सरसाइज हैं, तो जाके 13 लेक्चर, और वो भी एक एक लेक्चर में, आपको लग रहा है एक एक्सरसाइज हो पाएगी आगे जाके। तो यहाँ पे मैं मेथड्स बताने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, आप मेरे साथ करते हुए चलेंगे।
तो इससे मत डरिए कि भैया बहुत लंबा टॉपिक है सर, कैसे करेंगे 350 क्वेश्चन। तो सुनो फिर भाई, जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं। सफर शुरू तो करो, एंड तो हो ही जाएगा यार। इस डर से घर में बैठे रहोगे कि कैसे होगा, कब होगा, क्या करेंगे, तो फिर तो पल में पिरले आएगी, फिर करेगा कब, वो कबीरदास जी कह गए थे ना। तो जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं। और रास्ते की कठिनाइयों से क्या डरना मेरे बच्चों, रास्ते की कठिनाइयों से क्या डरना, मेहनती इंसानों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। तो इसी मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो देखिए भाई, साइन 2x है, अब आप जानते हैं इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, और हम जानते थे एंटी डेरिवेटिव है ये। तो आप याद करिए किसका डिफरेंशिएशन करके ये आ सकता है, तो इसका इंटीग्रेशन वही हो जाएगा ना। तो साइन 2x का डिफरेंशिएशन किससे बनेगा, कॉस 2x है, तो यहां से आप लेके चलिए कॉस 2x है, सिंस इंस्पेक्शन किया है ना ये आपने, जांच करके पता लगाया। तो d ओवर dx ऑफ cos 2x कितना हो जाएगा जानते हो ना, माइनस का साइन 2x, और 2x का दोबारा करोगे भैया, x की जगह कुछ और आता है दोबारा करोगे। ये सब पिछले लेक्चर में यही तो सब समझाया था, तो वो देख लो यार जाके, अगर किसी को बेसिक में प्रॉब्लम है तो 2x का चेन रूल लगा के दोबारा करोगे, n2 में 2 आ जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव ये है, तो इसका एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रेशन ये होगा। सही है बात, बिल्कुल सही है सर। तो इसको अगर हम इधर लगा दें therefore करके, या इस तरीके से लिख दे रहे हैं कि अगर हम इसको यानी कि माइनस का 2 साइन 2x dx क्या बनेगा, cos 2x। कांस्टेंट तो लगा ही देते हैं, प्लस सी कांस्टेंट का भी गेम पूरा समझाया था आपको लास्ट लेक्चर में, इसलिए बोल रहा हूं कि देख लो, बार बार ये सारी चीजें तो नहीं समझा पाऊंगा ना। तो माइनस 2 को उधर भेज देते डिवाइड में ना, तो साइन 2x dx फॉर्मूला लगाते तभी तो यही सिखाया था आपको, पहली बार में ax वाला ही आ गया ना, तो वही तो गेम था कि डिवाइड में क्यों जाता है, तो वो सब पहले लेक्चर में समझाया हुआ है। तो cos 2x और डिवाइडेड बाई माइनस का 2, माइनस यहाँ लगाते 2 यहाँ लगाते, प्लस सी हो जाएगा। समझ आ गई बात, बिल्कुल बिंदास गेम है, बस हो गया इंटीग्रेशन। तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन ये है बस, और कुछ भी नहीं है, यही है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन करके पता लगाओ ये किसका डिफरेंशिएशन है, उसी से शुरू करो, डिफरेंशिएशन बनाओ उसका, फिर जब इसका डिफरेंशिएशन ये है तो उसका एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, बात खत्म हो गई। तो इसी तरीके से आप आगे के क्वेश्चन बना लेंगे आराम से। अब मुझे लग रहा है जो क्वेश्चन कराने का है वो उसमें करा लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत वाली तो कोई बात नहीं है इसमें। आगे cos 3x है, sin 3x से चालू कर लीजिएगा, e की पावर 2x है उसको e की पावर 2x से ही शुरू कर लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन दिखा देते हैं, फोर्थ क्वेश्चन जो कि है ax प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन चाहिए हमें। तो ये किसका डिफरेंशिएशन रहा होगा, डिफरेंशिएशन पावर कम हो जाती है ना, तो हम मैं ये कह सकता हूँ ना, मैं आपको याद ही होगा ax प्लस बी के होल क्यूब से चालू कर दें, डिफरेंशिएशन करेंगे एक पावर कम हो जाएगी, स्क्वायर बन जाएगा। तो इतना अंडरस्टैंडिंग तो रखोगे ना भाई, इसी के लिए तो बोला था इसको इंस्पेक्शन मेथड, ये सारी ही अंडरस्टैंडिंग सिखाई थी लेक्चर वन में। चलो फिलहाल कोई बात नहीं, तो इसका सेंस लेके चलिए डेरिवेटिव। तो x की पावर n का फॉर्मूला लगाइए तो क्या हो जाएगा, 3 ए एक्स प्लस बी की पावर 3 माइनस 1 यानी कि दैट इज 2, और चेन रूल करके दोबारा लगाओगे तो b का 0 ए एक्स का a हो जाएगा। ठीक है बात, तो इसका डिफरेंशिएशन अगर ये है तो इसका इंटीग्रेशन, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 3a पहले लिख लेते हैं ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा बच्चों बताइए जरा। सर ऑब्वियसली बात है यही आ जाएगा ए एक्स, अब आ रहा है ना समझ में यार, ये समझना पड़ेगा, गेम है समझने का, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में। जब यहां से समझ में आ सकता है तो कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, जो तुमसे ना हो पाएगा तुमसे भी हो जाएगा। डिवाइड में ले जाओ ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब अपॉन 3a प्लस सी, बस बन गया। ये है भाई इंस्पेक्शन मेथड, फुद्दू सा मेथड है, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट वगैरह लेते रहना, कॉपी पेन लेके बैठना, एनसीईआरटी की किताब लेके बैठना, बताने वाली बात नहीं है, क्लास 12 के बच्चे हैं समझदार, पढ़ने के मूड में हो गए, वरना अपना टाइम वेस्ट करने के लिए तो भाई ऐसा तो है नहीं, चले कोटा फैक्ट्री देखने और आगे फरमान सर का लेक्चर देखने लगे इंटीग्रेशन का, मजे मजे में लाओ देख लेते हैं टाइम पास हो जाएगा, तो ये टाइम पास वाली तो चीज़ है नहीं। तो सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हो तो कॉपी पेन नोटबुक, भाई कॉपी जो है सर लोकल भाषा में नोटबुक को ही कहते हैं, हाँ बात सही है। अरे 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 सर ये कैसे करेंगे इंस्पेक्शन मेथड से, अरे दो पार्ट में कर लो इसका और इसका, कोई दिक्कत आएगी बताइए कुछ, इसका अलग कर लीजिए इसका अलग कर लीजिए,
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा कर लेते हैं, p बराबर, चलो अलग अलग इसी को ऐसा सिखाया था ना कि अगर दो फंक्शन आ जाए, सिखाया था कि नहीं, वो मैंने खुद दूसरा रूल है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स वन प्लस एफ एक्स टू, ये मैंने लिखाया नहीं है ना, मैंने पढ़ाया कोई, क्या पढ़ाया यार, इसको सबको समझ में आता है, पूरा होल फंक्शन हो बीच में कहना चाहिए, प्लस माइनस में फंक्शन हो तो दोनों पे अप्लाई हो जाता है, वही डेरिवेटिव का काम था, वही इंटीग्रल का भी यही अप्लाई होता है, एफ एक्स वन डी एक्स प्लस माइनस एफ एक्स टू डी एक्स, तो ये वाला रूल लगा लेते हैं ना, ये कोई रूल थोड़ी है कि ऐसा करके बच्चों को अलग से समझाऊं, उसमें इतना जोर दूं, वैसे ही परेशान हो गए हैं इंटीग्रेशन के नाम से ही, तो इसको हटा देते हैं, तो इसलिए मैंने कहा था दो पार्ट में इसको ब्रेक कर लेते हैं, इस पूरे को आई मान लेते हैं, भाई आई क्यों मान रहे हैं, चलन है आई मानने का, साइन टू एक्स डी एक्स माइनस फोर को बाहर निकाल लो, ई की पावर थ्री एक्स डी एक्स, कैसे करो अभी डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं ना, इंस्पेक्शन मेथड से करना है, तो इसका हमें निकालना है, तो इसका अलग कर लेंगे, इसका अलग कर लीजिए, ई की पावर थ्री एक्स लेके चलिएगा तो ई की पावर थ्री एक्स अपॉन थ्री आ जाएगा, इसका कॉस टू एक्स लेके चलिएगा तो वही आ जाएगा आपका माइनस का साइन टू एक्स अपॉन टू करके, तो बन जाएगा आराम से, देखिए दिखा देते हैं, डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन टू एक्स लेके नहीं चलना है, कॉस टू एक्स लेके चलना है, क्या बनेगा माइनस का साइन टू एक्स, दोबारा कॉस टू एक्स का कराओगे तो इंटू में टू और आ जाएगा, हाँ तो इसलिए उसका इंटीग्रेशन करोगे, डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन, ये चीज उधर जाएगी और ये वाला डायरेक्टली इधर भेज दे रहा हूँ, माइनस का कॉस टू एक्स अपॉन का टू प्लस का सी जो भी है, इसको दो बार सी आएगा तो सी वन हो जाएगा, इससे सी टू आएगा, दो कॉन्स्टेंट होंगे तो सी वन प्लस सी टू को सी ही लिख सकते हैं या बाद में ही लगा देना, लास्ट में कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे ही डी ओवर डी एक्स ऑफ ई की पावर थ्री एक्स लेके चलो तो ई की पावर थ्री एक्स आएगा और दोबारा करोगे थ्री आ जाएगा, तो ई की पावर थ्री एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या आएगा, ये चीज़ इधर जाएगी डिवाइड में, तो ई की पावर थ्री एक्स अपॉन थ्री इधर लिख दो सी टू। अब जैसे ये वैल्यू आप यहाँ पुट कराओगे, जगह कम है तो एक काम कर रहे हैं हम, इसको हटा देते हैं ठीक है, तो इसकी वैल्यू लगवा दो, क्या आई थी माइनस का कॉस टू एक्स अपॉन टू माइनस का फोर, इसकी वैल्यू क्या आई थी ई की पावर थ्री एक्स अपॉन थ्री प्लस सी वन प्लस सी टू, भाई दो कॉन्स्टेंट आएंगे, एक इसका कॉन्स्टेंट मिला के कैपिटल कॉन्स्टेंट लिख दीजिए, है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं, ये भी सारी चीजें आप धीरे धीरे सीख जाएंगे, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि मैं सिखा रहा हूँ आपको, सॉल्यूशन की पीडीएफ लेके बैठोगे तो थोड़ी ना कर पाओगे, तो एलसीएम लो मत लो माइनस बाहर निकालो कोई फर्क ना पड़ता, कॉस टू एक्स अपॉन टू प्लस का फोर बाई थ्री ई की पावर थ्री एक्स प्लस का सी, बात खत्म हो गई। तो ये क्वेश्चन आए नहीं है वैसे आज तक, लेकिन मैंने आपको फिर भी समझा दिया कि इंस्पेक्शन मेथड होता क्या है। आगे की बात कर लेते हैं जल्दी से, आगे की बात जो कि क्वेश्चन थे हमारे कौन से सिक्स से आएंगे, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइज सिक्स टू ट्वेंटी, भैया छः से बीस तक सवाल हैं, तो इसमें काम पहले छः वाला है तो भैया मुंह दिखाई तो कर लेते हैं सवाल की, फोर ई की पावर थ्री एक्स प्लस वन डी एक्स कैसे करें। अब भैया चलेगा चालू काम एकदम, कोई रुकावट नहीं, धड़ाधड़ फॉर्मूले लगाओ, शॉर्ट ट्रिक लगाओ, करो बिंदास। तो फोर को बाहर ले लिया, ई की पावर थ्री एक्स, भाई बच्चों के लिए कर दे रहा हूँ पहली बार वरना मैं ऐसे लिखता नहीं हूँ, वन डी एक्स ठीक है। ई की पावर ए एक्स का फॉर्मूला मैंने क्या पढ़ाया था, मैंने कहा था ए एक्स प्लस बी आ जाए तो ई की पावर ए एक्स प्लस बी अपॉन ए आएगा, कहाँ से आया थ्री डिवाइड में क्यों आ रहा है, पहले लेक्चर में समझाया था, ई की पावर थ्री एक्स अपॉन थ्री, यही तो दिक्कत है, यही तो बच्चे रह जाते हैं ई की पावर थ्री एक्स वाले, अच्छा ई की पावर थ्री एक्स ही कर देते हैं क्योंकि हमने पढ़ा है सर ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स प्लस सी तो होता है, ई की पावर एक्स का होता है भाई साहब, ई की पावर एक्स प्लस बी आ गए तो क्या करोगे, तो एक्स की जगह कुछ और आ जाए, मैंने उस टाइम भी सिखाया था, एक बार और बता देता हूँ, एक्स की जगह अगर कुछ और आ जाए क्योंकि आपने सारे फॉर्मूला एक्स के पढ़े हैं तो उसका दोबारा डिफरेंशिएशन कर लेना, थ्री एक्स का दोबारा करोगे थ्री इंटीग्रेशन में, वो डिवाइड में जाएगा ना कि मल्टीप्लाई में, बस बात खत्म, डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में जाता था इंटीग्रेशन में डिवाइड में, लेकिन फरमान सर फिर भी नहीं रटा रहे, मैं फिर बोल रहा हूँ ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में प्रूफ करा है सब कुछ। चलो अच्छा आगे, एक्स का डिफरेंशिएशन वन होता था तो वन का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा प्लस सी, दैट्स ऑल हो गया खत्म। तो ये है बहुत फुद्दूसी एक्सरसाइज, जो सवाल काम के रूट वूट वाले हैं, जो ट्रिक व्रिक जिसमें बनाई थी वही होंगे अब। तो दूसरा सवाल जो है, सवाल नंबर दो, एक्स स्क्वायर
ये आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्स स्क्वायर की पहले मल्टीप्लाई करा लेना, तो एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 बन जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 का माइनस एक्स आ जाएगा, प्लस सी, दैट्स ऑल। ये था आपका 7th वाला सवाल। 8th वाला क्वेश्चन क्या है यार भैया, क्यों देते हैं ये ऐसे सवाल? अब आपको हंसी आ रही है, लेकिन ये एनसीईआरटी मदर बुक बोलता हूँ ना मैं इसको हमेशा, ये तो आपको एक्सरसाइज 7.2 से बताएगी मैं हूँ क्या, मैं हूँ कौन। ये भी हो जाएगा यार, ए एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3, बी का बी एक्स स्क्वायर बाई 2, सी का सी एक्स, और अब बोले सर सी तो ऑलरेडी आ चुका है, कॉन्स्टेंट क्या लिखे? अरे तो कुछ भी लिख दो, ए लिख दो, डी लिख दो, वेयर डी इज एनी कॉन्स्टेंट, दैट्स ऑल। तो 8th वाला क्वेश्चन हो गया, 9th वाला होमवर्क, 10th वाले की बात करेंगे। यार 10th में थोड़ा सा दम लग रहा है, लेकिन है वो भी कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक चीज आ रही है वो सिखानी थी बस। अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे पहले तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दो, ए स्क्वायर करोगे अंडर रूट एक्स आ जाएगा, बी स्क्वायर करोगे माइनस का 1 अपॉन एक्स आ जाएगा, और प्लस का माइनस नहीं है, हाँ प्लस का बी स्क्वायर, नहीं यार नमक, नमक नहीं खाया है, नमक, नमक समझते हो ना, नमक खा के करोगे तो माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस लगा दोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस का 2 ए बी होगा तो माइनस का 2, तो अंडर रूट एक्स से 1 अपॉन अंडर रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ ये बचेगा इंटीग्रेशन डी एक्स। अब देखो यही तो फायदा है यार, रूट एक्स को कोई बच्चा बना रहा है पावर 1/2 लिख रहा है उसको पहले, फिर एक्स की पावर एन लगा रहा है, इतना टाइम हो तो कर लो, डायरेक्ट सिखा चुके हैं 2/3 एक्स की पावर 3/2, एक्स रूट एक्स भी लिख सकते हो, 1/x का तो जानते ही हो यार log x होता है ना, कुछ बच्चों ने वो भी ट्रिक लगाई थी, बोले x को ऊपर ले जाएंगे, x की पावर -1 बनाएंगे, समझा चुका हूँ पिछले लेक्चर इंट्रोडक्शन वाले में समझाया था ये, माइनस का 2 का माइनस का 2x हो जाएगा, प्लस का c हो जाएगा, दैट्स ऑल है। तो समझ रहे हैं बात को, ओपन कर लीजिए, कुछ बच्चे बोले सर x की पावर n लगा दें यहाँ पर तो पहले ओपन कर लीजिए, उसके बाद आराम से हो जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कोई 20 क्वेश्चन जो है ये सिर्फ ट्राई बॉल्स हैं सारी, मैं इसलिए करा दे रहा हूँ कि थोड़ा सा वार्म अप हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है। 11th वाला क्वेश्चन जो है ठीक ठाक है, होमवर्क में बनाएंगे आप लोग, एक्स क्यूब 5x स्क्वायर माइनस का 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन dx, क्या बनेगा बताइए? तो इसको इससे डिवाइड करोगे, इसको इससे डिवाइड करोगे, इसको इससे डिवाइड करोगे, और फिर एक्स की पावर एन के समय फॉर्मूले लग जाएंगे, सवाल में मजा आएगा क्वेश्चन नंबर 12 में। यहाँ थोड़ा सा बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन हैव ये भी फुद्दू सवाल है, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई रूट एक्स। भाई रूट एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स की पावर 1/2, अलग अलग कर दो सबको, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, डायरेक्ट माइनस में भेज दो। अच्छा 12वीं पढ़ रहे हो इतना सब समझते हो, तो एक्स क्यूब से 1/2 माइनस कर ले डायरेक्ट, समझ जाओगे? या लिखें बच्चों की तरह 3x रूट एक्स 4 अपॉन रूट एक्स डी एक्स, सही है? तो ये होता है 1/2। तो भाई जब सेम नंबर माइनस डिवीजन में होते हैं तो पावर माइनस हो जाती है, एक्सपोनेंट का सिंपल लॉ है। तो 3 से 1/2 माइनस कराओगे, 2.5 बचेगा, 2.5 का मतलब होता है एक्स की पावर 5/2, हिंदी में बोलो, एक से आधा माइनस कराओगे तो ये बचेगा एक्स की पावर 1/2 यानी कि रूट एक्स, और 4 को ऐसे लिख दो। अब देखो जो मैंने आपको पढ़ाया है उसका फायदा बस मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया था, अब ये सवाल करके खुशी होगी मुझे यार, मेहनत जब रंग लेकर आती है। एक्स की पावर 5/2 का तो वही बनेगा अपना, प्लस 1 कर लोगे तो 5.5 से 6.5 हो जाएगा, तो 6.5 का मतलब क्या होता है? 7/2 नहीं, 2.5 है ना ये, हाँ सॉरी 2.5 है ना ये, 5/2 मतलब 2.5, तो 3.5 हो जाएगा, 3.5 का मतलब 7/2, तो x की पावर 7/2 तो यहाँ आ जाएगा 2/7 है, डिवाइड में जाएगा, ऊपर चला गया। x की पावर 1/2 मतलब रूट एक्स बताया था, रूट एक्स का क्या सिखाया था मैंने बताइए? 2/3, और इंटू में क्या है इसमें? 3 तो इंटू में, और x की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी? 3/2 हो जाएगी। हाँ समझ में आ गई ये बात, ठीक है आ गई ये बात, लाइट चली गई है, एक बल्ब बंद हो गया है हमारा, थोड़ा सा हो सकता है अंधेरा हो गया, वो मैनेज कर लीजिएगा। 4 अपॉन रूट एक्स, रूट एक्स का क्या सिखाया था? 1/√x का क्या होता है? 2√x। तो यहाँ पे कोई दिमाग, कोई फालतू की चीज एक्स्ट्रा लगानी नहीं पड़ेगी आपको, ये सिखाया था हमने आपको, प्लस सी। तो 2/7 एक्स की पावर 7/2, 7/2 को आप ये लिख सकते हैं ना, एक्स क्यूब रूट एक्स
ऐसे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है यार। हाँ, थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2x की पावर 3 बाई 2, इसको x रूट x लिख सकते हैं, और प्लस 4 टू जा 8 रूट x प्लस 80। तो ये जो प्रोसेसिंग है बेटा, मैंने आपकी ये बचा दी, मैं तो ये कह रहा हूँ ये बचा दी। एक बार देख लेते हैं कि वीडियो वीडियो सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ ठीक ठाक ही चल रहा है, मैनेज हो जाएगा। ठीक है, ओके, ब्राइटनेस मैनेज कर दी है मैंने, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो मैंने कहा था कि ये जो रूट एक्स वन बाई रूट एक्स, यहाँ बच्चे बहुत टाइम लगा लेते हैं और इवन एरर कर देते हैं। असली जीत यही है बेटा जो मैंने पहला लेक्चर आपको पढ़ाया था। तो इससे आपका टाइम काफ़ी बच जाएगा, डायरेक्ट मारो बात खत्म, डायरेक्ट मारो उसको, छोड़ो मत बिल्कुल। नमक खा के करोगे तो नहीं हो पाएगा, नमक बहुत खतरनाक चीज़ है भाई साहब। ये है गेम। अब एक क्वेश्चन 13 पे, यहां भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो एक अंडरस्टैंडिंग आपकी यहां बन जाएगी, सवाल से अंडरस्टैंडिंग बनाओ बस। एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर है, प्लस का एक्स है, माइनस का 1 अपॉन एक्स माइनस 1। एक बात मैं आपको पहले दिन ही क्लियर कर देता हूं, पहले दिन बाकी और सवाल तो करते रहेंगे, पहले दिन मैं ये क्लियर कर लेता हूं, इंटीग्रेशन तब तक नहीं हो पाएगा जब तक याद रखना, जब तक न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी होगी डिनोमिनेटर से। अगर कोई फ्रैक्शन आ रही है तो इंटीग्रेशन तब ही करेंगे जब डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी हो। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, अदरवाइज वो इंटीग्रेबल फॉर्म होगी ही नहीं। ये मैं 10 बार नहीं 50 बार रिपीट करूंगा आने वाले क्वेश्चन में, पार्शियल फ्रैक्शन जब मैं कराऊंगा, क्वाड्रेटिक फॉर्म जब मैं कराऊंगा आपको। तो इस बात को बहुत अच्छे से याद रखें। तो बोले सर क्या करें, इसको डिवाइड मान लें क्या? हाँ मान लो, डिवाइड मान लो, लेकिन इसमें थोड़ा सा फैक्टराइजेशन हो जाएंगे तो आसान हो जाएगा, वरना कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, और इससे इसको डिवाइड कर लें, क्योंकि ऊपर डिग्री जा रही है 3, डिग्री समझते हैं ना, हाईएस्ट पावर, नीचे की डिग्री आ रही है 1। और अभी तक आपने कोई कोशेंट रूल नाम की चीज़ तो पढ़ी नहीं है ना इंटीग्रेशन में, आपने कोशेंट रूल डिफ्रेंशिएशन में तो पढ़ा है, लेकिन इंटीग्रेशन में कोशेंट रूल नहीं है, कुछ अलग ही चक्कर होता है वहाँ पर, वो सारी बातें हैं। तो इसकी डिग्री अभी छोटी है, जबकि मैंने लिखा है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर शुड बी ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, देन इट विल बी इंटीग्रेबल। तो अभी इंटीग्रेबल नहीं है ये, लेकिन मुझे दिख रहा है यार कॉमन ले लूँ तो सीधे बन जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो ये एक्स माइनस 1 बनेगा, और इधर तो 1 कॉमन है, एक्स माइनस 1 है ही, और नीचे एक्स माइनस 1 है dx। अगर फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है तो डिवाइड कर लीजिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, अदरवाइज तो ये सवाल बड़ा आसान था। तो ये सीखना है, तो यहां से आप क्वेश्चन मत याद रखिए, मैं क्या बोला कि सॉल्यूशन पीडीएफ नहीं पढ़ा रहे हैं फरमान सर आपको, एक एक चीज को अगर आप अक्यूमुलेट करते जाएंगे, एक एक मैं गारंटी दे रहा हूं अभी, अगर आप एक एक चीज को अक्यूमुलेट कर लीजिए इंटीग्रेशन के बादशाह होंगे आप, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx बच रहा है, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3, और 1 का एक्स प्लस सी हो जाएगा, दैट्स ऑल। अब बताइए तो कहां पे क्वेश्चन था और कहां जाके ये बन रहा है। तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा, बेसिक है भाई, जो एक दिन में नहीं बनते, बनाने पड़ेंगे, धीरे धीरे चलना पड़ेगा। हिसाब आया मैं एक दिन में इंटीग्रेशन पढ़ा दूंगा, अभी तो पढ़ा लो फिर इंटीग्रेशन एक दिन में, तुम पढ़ लो और उससे जो पढ़ा रहा है उससे पढ़ लो, बढ़िया हो जाएगा आपका काम। नहीं मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ पर्टिकुलर, ठीक है, बट मुझे समझ नहीं आएगी वाली कहानी, 1 माइनस एक्स रूट एक्स डी एक्स, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लो, रूट एक्स की 1 से कराओगे रूट एक्स ही हो जाएगा, रूट एक्स किस से कराओगे एक्स की पावर 3 बाई 2 हो जाएगी, डी एक्स हो जाएगा, फॉर्मूला लगा लो रूट एक्स का सिखाया है 2 बाई 3 एक्स की पावर 3 बाई 2, देखो टाइम कितना बच रहा है इतना सा याद करने से, और एक्स की पावर 5 बाई 2, 5 बाई 2 नीचे आएगा तो वो 2 बाई 5 हो जाएगा प्लस सी, बस हो गया सवाल ये। तो 15 वाले में भी रूट एक्स है मल्टीप्लाई में, तो रूट एक्स से आप मल्टीप्लाई करा लें, मतलब एक्स की पावर 1 बाई 2 से, और उसके बाद आप आंसर बना लें। तो उसको स्किप करते हुए 16 वाला तो उससे भी आसान है, 17 वाला उससे भी आसान है, सीधे 18 वाले पे आएंगे, यहाँ थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का खेल देखने को मिल रहा है, और इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और गिफ्ट देके जाऊंगा, एक क्या गिफ्ट देके जाएंगे वो आगे काम आएगा, हालांकि आगे क्वेश्चन भी आएगा नेक्स्ट एक्सरसाइज में, लेकिन वो मैं इस लेक्चर में देके जाऊंगा आपको, इस लेक्चर में, ठीक है ना। तो sec x का sec x से करेंगे, sec स्क्वायर x हो जाएगा, और ये sec x tan x हो जाएगा, तो ये तो एंटी डेरिवेटिव बन रहे हैं दो फिक्स पर्टिकुलर, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता था sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा tan x, पहले लेक्चर में फॉर्मूले लिखा चुका हूँ, sec x का डिफरेंशिएशन होता था sec x tan x,
तो sec x का sec x tan x का इंटीग्रेशन होगा sec x प्लस c, ये इसका आंसर हो गया बहुत बिंदास। तो इसलिए अब मैं बोल रहा हूँ डिफरेंशिएशन पे पकड़ होनी चाहिए, अगर नहीं है तो इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में मैंने सारे फॉर्मूलाज सिर्फ लिखा ही नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ यार मैं सॉल्यूशन नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैंने फॉर्मूला समझाए थे कहाँ से बने हैं बच्चों, कहाँ से बने हैं। सिर्फ ये नहीं कि हाँ भाई ये फॉर्मूला किताब से देख के आप भी देख लो यार, अपना टाइम मेरे साथ क्यों वेस्ट करने आओगे। तो मेरी फीलिंग को समझ लो बस यार, कम शब्दों में कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ, हो गई बात खत्म। हाँ मैंने क्या बोला था कि मैं आपको ये गिफ्ट दूंगा, गिफ्ट क्या है वो गिफ्ट सुन लो, कहीं भी अगर इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स का आ जाए इंटीग्रेबल नहीं होगा, वो कर ही नहीं सकते आप, तो सर क्या करें, ये गिफ्ट दे रहा हूँ मैं आपको। तो बेटा ये पढ़ा है आपने वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये इतनी जगह यूज होगा ना एनसीईआरटी में या कहीं। हाँ सर पढ़ा हुआ है, तो पढ़ा सब है, मैं क्या बोल रहा हूँ, टीचर बस एक डायरेक्शन देता है और क्या देता है कि ऐसा हो तो ऐसा कर लेना, सब आता सब है यार आपको। तो टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल लेना, सेक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का क्या बनेगा टेन एक्स माइनस वन का एक्स हो गया प्लस सी हो गया। अगर मैं इसको डायरेक्ट यूज कर लूँ ना तो आंखें में फाड़ना भाई, हाँ बोले सर सर ने नमक सूंघ के आए सर, है ना टेन स्क्वायर एक्स का भी बना देते हैं हमारे सर। तो बेटा मैं ऐसे बनाऊंगा उसको, डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ कहीं कहीं, तो आगे के लेक्चर में काम आएगा, बिल्कुल बिंदास तरीके से बैठना, समझ गए गेम। टेन स्क्वायर एक्स का क्या बनाओगे आज से याद रख लो, टेन एक्स माइनस एक्स, एक फॉर्मूला लगाओ फिर कन्वर्ट करो फिर ये करो फिर वो करो, कहाँ से आया अरमान सर ने पढ़ाया था विद प्रूफ। तो टेन स्क्वायर एक्स का टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी, दैट्स ऑल, ये गिफ्ट है आपके लिए, टेन स्क्वायर एक्स जहाँ भी आ जाए ठीक है। अच्छा जी आगे चलते हैं सवाल पे, 19 और 20 दोनों सवाल करेंगे, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत ही बढ़िया, मजा ही आ गया। सेक स्क्वायर एक्स, जब मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाता था क्लास टेंथ में, अभी भी पढ़ाता हूँ, तो मैं वहाँ पे ये बच्चों को बताता था एक बार, ट्रिग्नोमेट्री में सबसे सिंपल फॉर्म साइन और कॉज है, क्वेश्चन करने पे अगर हम आ जाएं तो, क्वेश्चन करने पे लाइट आ गई है फिर से, ब्राइटनेस में कोई दिक्कत ना हो जाए, बोला ही था हमने, हाँ जी सही है ठीक है। सो तो मैं ये कहता था साइन कॉज सबसे सिंपल फॉर्म है प्रूफ करने के लिए, बाकी आपकी अपनी अलग अलग सहमति हो सकती है, तो सब चीज़ को अगर कन्वर्ट हो रही है साइन कॉज में चेंज कर लो, अगर एलएचएस से आरएचएस नहीं बनता आरएचएस को भी सॉल्व कर दो साइन कॉज में, आंसर बन जाएगा, गुरु मंत्र दिया था मैंने, मैं यहाँ क्यों बता रहा हूँ समझ गए होगे। sec स्क्वायर एक्स को ये लिख लो वन अपॉन एक्स वन अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स, और कॉजिक को लिख लो वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब तुम समझोगे कि मैंने वो क्यों पढ़ाया था, टेन स्क्वायर एक्स वाला देखना क्या ऐसे पढ़ा हो तो बताना। अब साइन स्क्वायर एक्स ऊपर पहुँचा दो, कॉज स्क्वायर एक्स तो नीचे रहेगा ना, क्या बनेगा सर टेन स्क्वायर एक्स। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं सेक में कन्वर्ट करूंगा फिर इसको लिखूंगा, मैंने अभी समझाया था आपको अभी, क्या बनता है टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी, एक मिनट बचा लिया ना आपका, बस सीखते जाइए यही तो गेम है, हो गया समझ गए, मजा आएगा यार मजा आएगा, बिल्कुल लगेगा कि उड़ा डालेंगे इंटीग्रेशन को, उड़ा डालेंगे फोड़ देना है बिल्कुल, यूट्यूब वाली लेंगे फोड़ देंगे पेपर को, पता नहीं भैया टीचर को फोड़ते हैं इतना पेपर, अरे फोड़ देंगे ये कर देंगे भाई साहब। 2 - 3 साइन एक्स अपॉन का कॉज स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये कैसे बनाएंगे, अरे अलग अलग कर लो एलसीएम ले लो, 2 के नीचे कॉज स्क्वायर एक्स 2 sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा, अच्छा जी 3 साइन अपॉन कॉज टेन एक्स और एक कॉज एक्स बचा वो ऊपर जाएगा तो sec x, समझ में आ गई है बात, नमक खा के नहीं आया तो समझ में आ ही गई होगी। sec स्क्वायर एक्स का टेन एक्स 2 का 2 माइनस का sec x टेन एक्स का क्या होता है sec x प्लस सी हो गया भैया। सवाल है बताइए, सवाल है, मजाक हो रही है हमारे साथ, मजाक नहीं हो रही बताइए। अब यार इसमें मजा आएगा, इसको हटा देता हूँ, MCQs बेस्ड भी दे रखा है इन्होंने 21 एंटी डेरिवेटिव ऑफ, डायरेक्ट लिख लो रूट एक्स 1/√x, यार मैं तो ऐसे ही बना दूं मेरा बस चले तो, रूट एक्स का क्या सिखाया मैंने जल्दी बताओ, मैं कोई फॉर्मूला नहीं कर रहा हूँ, 2/3 एक्स की बार 3/2, 1/√x का क्या सिखाया सर 2√x, रूट एक्स का मतलब एक्स की बार 1/2 प्लस सी है, सवाल है ये सवाल है बताइए, ऐसे सवाल दिए जा रहे हैं हमको, अरे बच्चे पावर में ही कन्वर्ट करते रह जाएंगे, इसको ऊपर ले जाओ और उसमें माइनस बनाओ पावर एक्स की पावर एन का फॉर्मूला, सीखो तुम ऐसे ही पढ़ो फिर, ऐसे करोगे तुम ऐसे ही पढ़ो फिर ना हो पाएगा तुमसे।
अरे सीखो, मजा आएगा बहुत इधर। ठीक है, 22 वाला सवाल, 22। इफ डी ओवर डी एक्स एफ एक्स, बहुत बढ़िया, मजा आएगा सवाल में, 4x³ - 3/x⁴ सच दैट, अरे वाह, ये पता क्यों दिया है? अब ये बहुत, मैंने पहले लेक्चर में समझाई थी ये बात आपको, अगर आपको, चलो समझाऊंगा अभी यार, बातें इतनी सारी होती हैं समझ में नहीं आता कि आप समझ पाओगे कि नहीं समझ पाओगे। एक क्वेश्चन दिया था इन्होंने, 22वां सवाल, चार ऑप्शन भी दिए, उन्होंने कहा इस फंक्शन का डेरिवेटिव अगर कर रहे हैं डिफरेंशिएशन तो ये हो रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन अगर कर दें तो फंक्शन बन जाएगा, लेकिन फंक्शन में सी भी तो आएगा, फिर वो कह रहे हैं अगर उस फंक्शन में दो रख रहे हैं तो जीरो हो जाएगा, तो यहां से सी की वैल्यू आ जाएगी, हो गया, सी मत बनो यार, ध्यान देना, इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा ना, तो लगाओ फिर, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं तो, इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ - 3/x⁴ का बनेगा एफ एक्स, बनेगा एफ एक्स, ये उधर गया, डी एक्स ओवर डी हो गया, मैंने बताया था डी का सांप बन गया और डी एक्स तो ऐसे ही रहा है ना, तो 4x³ का बताना क्या बनेगा, x⁴/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, इसलिए मैं x⁴ ही लिख ले रहा हूं, -3 x⁴ या 1/x⁴n का सिखाया था मैंने आपको, वही तो यूज करा, 1 - n, 1 - 4 कितना बनेगा, माइनस का 3, और x⁴n+1 यानी कि x⁵, x⁴n+1 n-1, तो n-1 मतलब x³, सही हो गई बात, बिल्कुल समझ में आ रही है कि, अच्छा जी, ठीक है, तो -3 से -3 कैंसिल हो जाए, और यहां प्लस सी तो लेना ही लेना, x⁴ हो गया, चलिए बताइए, हाँ सर समझ में आ रही है बात, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 1/x³ हो गया, प्लस सी हो गया, और बराबर एफ एक्स हो गया, गेम समझते रहिएगा, गेम को समझना है, इसको हटा देता हूँ ऊपर वाले को, अब लग रहा है फुद्दू सवाल है ये जो आपको मुश्किल लग रहे थे, अब गिविन दे रखा है मुझे, क्या गिविन दे रखा है, f2 = 0 है यार, तो यहाँ पे f2 रखवा लो, 2^4, 2^4 - 8/16 प्लस 2^4 - 8 1/8 प्लस सी बराबर 0, क्या करें, एलसीएम लेते हैं, कितना लेते हैं एलसीएम, एलसीएम लेते हैं हम लोग 8, तो 16 8 और प्लस का 1, तो प्लस 1 ले लो, 8 × 48 = 8 × 4 128, और प्लस, और इधर क्या चल रहा है, प्लस सी बराबर 0, 129/8 प्लस सी बराबर 0, तो यहाँ से सी की वैल्यू जो आ रही है माइनस का 129/8 आ रही है, तो यानी कि जो सी है उसकी जगह मैं लिख दे रहा हूँ माइनस का 129/8 रहा होगा यहाँ पर, सही है बात, तो देखो कोई ना कोई ऑप्शन मैच कर रहा होगा, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, पहला ही ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, पहला ऑप्शन नंबर ए, अब बताइए x⁴ को आप ऊपर ले जाते, -4 + 1 नीचे आता, 4 - 1 हो जाता, वो 3 बनता वगैरह वगैरह, इतना टाइम नहीं है, इसलिए अब जो फॉर्मूला पढ़ाया था ना, 1/x⁴n का इंटीग्रेशन, अब बताइए काम दे रहा है, कौन से सॉल्यूशन पीडीएफ में मिलेगा आपको, क्या पढ़ाया था फिर से बता दीजिए, 1 - n x⁴n - 1 डायरेक्ट यार, डायरेक्ट मजा आ जाएगा बिल्कुल, तो ये बताइए पहली एक्सरसाइज थी, अभी तो मैंने थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है ना लेवल आराम से, ये वो सवाल थे जहां एक भी कोई मेथड नहीं लगाना पड़ा, बहुत आसानी से हो गए, आगे वाली जो एक्सरसाइज है वहां से आपको टेन एक्स का, जो अभी तक हमारे पास इंटीग्रेशन नहीं है, sec x का, cosec x का, cot x का इंटीग्रेशन मिलेगा सबसे पहले बाई सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद धड़ाधड़ मैं आपको समझाता हूँ सब्स्टिट्यूशन का असली मतलब क्या है, पूरी अंडरस्टैंडिंग, मजा आएगा अगले लेक्चर में, तो वेट करिए लेक्चर नंबर 3 मतलब #3 का चौथा लेक्चर हो जाएगा, जो कि #3 होगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर छोड़ दें अगर, तो इसी तरीके से मेहनत से पढ़ते रहिए, भाई साहब बहुत पसीना आ गया है लेकिन मेहनत वसूल होनी चाहिए, समझ में आए तो उस बच्चे तक ज़रूर पहुंचा दीजिएगा जिसको इसकी ज़रूरत है, ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्दी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, सपने देखते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।